कोई कंफ्यूजन है कि बारिश की वजह से आंदोलन पर फर्क पड़ेगा तो पंजाब से आई बुजुर्ग महिला की बात को बहुत गौर से सुनिए। नहीं सानू कोई ठंड नहीं लगती, हाँ कोई साढ़े छोटे साहब ज्यादा ने पो मांग दिया, माता गुजरी जी ने पो मांग दिया, रातां उत्ते चलिया ठंडे बुरज विच, ए तां की दिल्ली आ। किसान आंदोलन पर कुदरत का डबल प्रहार बेअसर दिखा, आप इसे गाजीपुर की तस्वीरों से समझ सकते हैं। किसान बिना समाधान के लौटने को तैयार नहीं। बस जी बारिश में आपको पता है कि बच्चे छोड़ के हम सड़कों पे पड़े हैं, ये अब और सरकार से जो हमारी मांग है, हमारी सरकार मांग पूरी कर दे तो हम ठंड, यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कितनी ठंड कड़ाके की ठंड हो रही है, बारिश हो रही है और हमारा काम अगर हो जाता है तो हम, सरकार हमारी बात मांगे मान लेती है तो फिर हम चले जाएंगे। ठंड कड़ाके की हो रही है मगर जो तीन काले कानून अध्यादेश सरकार ने लाए हैं उसमें हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी खेती और हम किसी काम के नहीं रहेंगे, तो हमें ठंड कुछ भी महसूस नहीं हो रही, हमें तो यह है कि मोदी जी हमारी बात मान ले। चाहे सर्दी बढ़े, चाहे ओला गिरे, चाहे बारिश हो, किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। भले ही किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच मीटिंग से समाधान की आस लगाई जा रही है लेकिन मीटिंग से पहले किसान संगठनों ने केंद्र सरकार को बड़े कदम उठाने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। किसानों ने ऐलान किया है कि अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो 13 जनवरी को कृषि कानूनों की कॉपियां जलाकर लोहड़ी का त्योहार